हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर हम पढ़े थे चैप्टर नंबर सिक्स स्टाफिंग ये स्टूडेंट्स अब हम उसके हैं थर्ड सब टॉपिक पर दैट इज स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो वेलकम टू मैगनेट ब्रेन्स सभी स्टूडेंट्स को मैगनेट ब्रेन मैगनेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी हंड्रेड फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिस चैनल पर आप अभी हैं यहाँ पर हम पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम के टू क्लास ट्वेल्थ की क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सी बी एस ई बोर्ड येस वी हैव अ सेपरेट चैनल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो हिंदी मीडियम से हैं एंड दे आटडींग इन क्लास फ्राम क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ के बीच में किसी भी क्लास में है और यह फॉलोइंग बोर्ड्स की वो तैयारी करें डेट इज डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड यू मस्ट रिकमेंड मैगनेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल टू देम और स्टूडेंट्स हम आपको जितनी भी क्लासेस पढ़ाते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग फॉर एनी क्लास मैगनेट ब्रेन्स का जो चैनल है जिस पर आप अभी हैं फटाफट इज वी वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारे हिंदी मीडियम चैनल के शॉर्ट्स लाइव सेशंस भी आप देख सकते हो इतने नॉलेजेबल शॉर्ट्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारी चीजें हम आपके लिए बनाते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स वी प्रोवाइड यू फुल ऑर्गनाइज कंप्लीट कोर्सेस अलॉन्ग प्रॉब्लम्स एंड स्टूडेंट्स वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल तो ये अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन सो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स तो चलिए सबसे सबसे पहले तो आपको फ्लो चार्ट मिलेगी क्योंकि हर टॉपिक में पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स को करना होता है लर्न और अगर लर्न नहीं हो पॉइंट्स तो दिक्कत हो जाती है ठीक so, है सो ये फ्लोचार्ट है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सेकेंड है इम्प्लॉइंग पीपल थर्ड है करियर ग्रोथ फोर्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल Fifth है मोटिवेशन सिक्स है कॉम्पेंशन सेवेंथ है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड एट है रिव्यू एंड ऑडिट ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं फटाफट स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ बढ़ते हैं ठीक है स्टूडेंट्स नाउ अब आपको ये फ्लो चार्ट आपने बना ली अब मैं आपको एक की लाइन याद करवा रही हूँ ये एक लाइन लिख लीजिए Happy employees cultivate positive mindset, creating successful results, है ना लिख लीजिए इस लाइन को एकदम याद कर लीजिए क्या बोला मैंने Happy employees cultivate positive mindset, creating successful results। मैम ये आपने ऊपर नीचे लिख दिया स्टूडेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है बोर्ड पे नीचे चले जाती है या ऊपर चले जाती है बट आई ट्राई टू मेक द बेस्ट निमोनिक्स इन द वर्ल्ड फॉर यू सो दैट यू लर्न बिजनेस स्टडीज पॉइंट क्विकली चलिए सो हैप्पी इम्प्लॉयज कल्टिवेट पॉजिटिव माइंड सेट क्रिएटिंग सक्सेसफुल रिजल्ट ठीक है सो हैप्पी से एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना सो हैप्पी से क्या आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एच से आएगा ठीक है एच से आपको याद रहेगा इंप्लॉयज़ इम्प्लॉयज से आएगा इम्प्लॉइंग पीपल सी कल्टिवेट से आएगा करियर ग्रोथ है ना P P for positive, P for performance appraisal, M for mindset, M for motivation, C for compensation, C for creating, ठीक है Providing social security, successful के S से आप याद कर सकते हो and results review and audit, ठीक है फिर से एक बार याद करें ठीक है मैं delete कर देती हूँ देखती हूँ कितने students को याद रहता है Comment box में जरूर बताना है ना फिर से देखते हैं Happy, Happy मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ठीक है इंप्लॉइज ई मतलब इंप्लॉइंग पीपल ठीक है फिर हैप्पी इंप्लॉय कल्टीवेट कल्टीवेट से आएगा कॉम्पनसेशन ठीक है कल्टीवेट से आएगा करियर ग्रोथ सॉरी है ना तो सी से आएगा करियर ग्रोथ कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव के पी से आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल पी फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक है माइंडसेट एम फोर क्या आएगा स्टूडेंट्स मोटिवेशन ठीक है सो हेल्दी इंप्लॉयज कल्टीवेट पॉजिटिव माइंड सेट इतने हो गए पॉइंट्स ठीक है हेल्दी हैल्टिवेट पॉजिटिव माइंड सेट ठीक है इतना याद हो गया ठीक है स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स भी याद होना जरूरी है तो एच फोर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ई फॉर एम्प्लॉइंग पीपल सी फॉर करियर ग्रोथ पी फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एम फॉर मोटिवेशन क्लियर हैप्पी इम्प्लॉयज कल्टिवेट पॉजिटिव माइंड सेट ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर नाउ अब कॉम्पेंसेशन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड रिव्यू एंड ऑडिट ठीक है अगर आपको ये याद नहीं भी होता है तो जो मैंने पहले लाइन बताई थी उससे भी याद कर सकते हो या फिर शुरू के पांच याद करके एंड वो एक्स्ट्रा में याद कर सकते हो क्लियर है आपको ठीक है स्टूडेंट्स नाउ ये हो गया अपना हाउ टू लर्न द दिस पॉइंट्स है ना शॉर्ट आंसर में भी बता दिया मैंने आपको लॉन्ग आंसर में भी बता दिया लॉन्ग आंसर वाला पहले था जिसमें सारे पॉइंट्स लर्न करने शॉर्ट आंसर में आता है तो शुरू के पाँच पॉइंट्स या चार पॉइंट्स लर्न करो तो वो भी चलेगा ठीक है माइंड तक लर्न कर लेना नाउ स्टूडेंट्स अगर आपको ये निमोनिक्स हेल्प करते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप समझें एक एक टॉपिक को चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया तो फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है ना प्रोसेस विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज क्या मैनेज करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स को ठीक है कंसिडरिंग दियर नॉलेज स्किल क्रिएटिविटी टैलेंट पोटेंशियल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स ऑर्गनाइजेशन वो क्या क्या देखते हैं काम बांटते वक्त उनकी स्किल देखते, देखते हैं उनकी नॉलेज देखते हैं क्रिएटिविटी देखते हैं टैलेंट देखते हैं पोटेंशियल देखते हैं कि वो ऑर्गनाइजेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं ठीक है तो ये थे हमारे की वर्ड्स ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है इटॉल्ल्व डिटर्माइनिंग द ऑर्नाइजेशन नीड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट सिलेक्टिंग बेस्ट इंप्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंपनसेटिंग रिवॉर्डिंग द इम्प्लॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइसन विद द गवर्मेंट ट्रेड यूनियन कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन के साथ जो लाइसेंस लगता है ना उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी सब इंक्लूडेड रहती है बट दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड इट विल नॉट कम इन एग्जाम ठीक है ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है जो क्या करती है एम्प्लॉइज को हायर करती है उनको डेवलप करती है ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करती है किस बेसिस पर काम बांटती है उनकी नॉलेज स्किल क्रिएटिविटी टैलेंट और पोटेंशियल के बेसिस पे क्लियर तो ये बात याद रखनी है नाउ आगे बढ़ते हैं

अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो लोगों को कौन हायर करता है एम्प्लॉइज आर हायर्ड बाय लाइन मैनेजर्स बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज लार्ज स्केल है ठीक है स्टूडेंट्स अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज लार्ज स्केल है तो एम्प्लॉयज को कौन हायर करता है एम्प्लॉयज के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनेगा जिसको बोलेंगे एचआर डिपार्टमेंट ठीक है सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा वहाँ पे लोग होंगे एंड जो हायरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे यानी स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे यही बात बोली गई स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में कौन हायर करता है लाइन मैनेजर्स है ना लाइन मैनेजर्स जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट कैरी आउट करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते, है? Students, हाँ बोलते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना जिसको आप बोलते हो ना एच से कॉल आ गई एच से कॉल आ गई गुड न्यूज इज हर मतलब कि आपका जो हायरिंग है वो हो चुकी है ठीक है ऑफर लेटर ही खुशखबरी होती है नाउ स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग जो है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है तो आप बोलोगे मैम एचआर डिपार्टमेंट मतलब स्टाफिंग से ज़्यादा भी कुछ काम करता है येस स्टूडेंट्स आपको ये बात नहीं पता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग तो उनका सिर्फ एक वर्क है छोटा सा वर्क है ठीक है स्टाफिंग में क्या होता है पूरी हायरिंग होती है जैसे कैंडिडेट्स की जैसी वेकेंट पोजिशन हुई या फिर कोई न्यू पोजीशन के लिए हमें कैंडिडेट को हायर करना है तो सबसे पहले क्या डाली जाती है एडवर्टीजमेंट ठीक है एडवर्टीजमेंट पोस्ट डाली जाती है कि कंपनी जो है हायर कर रही है फिर ये कैंडिडेट ने वो एड देखी ठीक है इसने क्या किया अप्लाई किया अप्लाई करने के बाद ये शॉर्ट लिस्ट होता है ठीक है शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इसका इंटरव्यू वगैरह अलाइन होता है शॉर्टलिस्ट के होने से पहले भी कुछ न कुछ एक छोटी सी मीटिंग होती होगी जिसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट हुआ या एग्ज़ाम होता होगा फिर इंटरव्यू अलाइन होता है इंटरव्यू के बाद और कुछ राउंड्स होते हैं राउंड्स के बाद कॉम्पनसेशन डिसाइड होती है उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति आता है ठीक है उसको ऑफ़र लेटर वगैरह यहीं पर दे दिया जाता है ना यहाँ पर ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है फिर ये ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति आता है फिर ये जो व्यक्ति है इसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है इसका प्रोबेशन पीरियड होता है थ्री मंथ्स का मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में होता है प्रोबेशन मतलब इसमें आपका देखा जाएगा आप काम कैसे करें फिर आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाएगा प्रोबेशन जब एंड होगा तब ठीक है और फिर उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो ये जो फंक्शन ये जो प्रोसेस है ये है स्टाफिंग है ना और ये एच डिपार्टमेंट का सिर्फ एक काम है एच डिपार्टमेंट और भी काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और भी काम होते हैं अब आप बोलोगे मैम क्या काम होता है आपको पता है कि आपने सुना होगा कंपनीज में होती है फन फ्राइडेज है ना कंपनीज में आजकल एक कूल कल्चर निकला है जिसका नाम है फन फ्राइडे एक्टिविटीज तो फन फ्राइडे क्या होता है फ़न फ्राइडे में सारे एम्प्लॉयज़ को हर फ्राइडे की शाम को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है जैसे डार्ट गेम जैसे कुछ पॉटलक है ना पॉटलक क्या होता है सब अपने घर से डिब्बे में खाना लेके आते हैं और साथ खाया जाता है ठीक है उसको बोलते हैं पॉटलक तो ये सारी एक्टिविटीज़ फ़न फ्राइडे एक्टिविटीज़ एच डिपार्टमेंट करवाता है ठीक है जिसमें कैरियो डांस वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो करवा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर कुछ कैंप्स करवाने होते हैं जैसे डेंटल कैंप वगैरह एम्प्लॉयज़ के लिए वो सब भी एच डिपार्टमेंट ही अरेंज करता है ठीक है अगर सबके ऑफ़र लेटर बनाना किसी व्यक्ति ने रिज़ाइन कर दिया तो उसका रेजिग्नेशन प्रोसेस करवाना ठीक है उनका एफएनएफ सेटलमेंट करना लोगों की सैलरी पे करना पे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है बट करवाता है एचआर डिपार्टमेंट है है ना इंप्लाइज की सैलरी पे करना ठीक है इंफ्रा को हैंडल करना ठीक है ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है तो छोटी सी लिस्ट मैंने बताई है जितनी को नॉलेज है मोटा मोटी इससे डबल ट्रिपल काम और होते होंगे ठीक है दे डू अ लॉट ऑफ वर्क दे हैव टू हैंडल दी आर पीज सॉफ्टवेयर एज वेल कौन छुट्टी ले रहा है कौन नहीं ले रहा छुट्टी के कितने पैसे काटने हैं कितनी लीव देनी है इस मंथ कौन कौन सी छुट्टी है कितने फेस्टिवल की लीव है इतना काम होता है एक एच डिपार्टमेंट के पास स्टाफिंग तो उसका एक काम है एच आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ठीक है स्टूडेंट्स इतनी बात आपको समझ में आ गई चलिए सो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट स्टाफिंग इज नॉट एच आर ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज तो मैंने क्या बोला था हैप्पी हैप्पी से क्या आएगा स्टूडेंट्स हैप्पी से आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एच फॉर हैप्पी एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ठीक है so it means determining the number and type of personnel required to fill the vacant uh, job position of an organization hai na so human resource planning matlab sabse pehle ye dekho ki kitne logon ki zarurat hai the number और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है है ना और उसके बाद आप जो खाली position है आपके organization में उसे fill करो फिर happy employees फिर उसके बाद ई फॉर एम्प्लॉयज ई फॉर एम्प्लॉइंग पीपल सो दैट इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट क्या करना है आर एस पी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ठीक है नाउ करियर ग्रोथ फिर सी फॉर हैप्पी इंप्लॉयज है ना कल्टीवेट कल्टीवेट से क्या आएगा करियर ग्रोथ सी फॉर कल्टीवेट सी फॉर करियर ग्रोथ याद आया कि नहीं नाउ दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पे फीडबैक वगैरह होगा रिव्यू मीटिंग होगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसको कितना अप्रेजल मिलना है यूजली आजकल तो कंपनीज में ऐसा कल्चर चल रहा है कि फाइव टू सिक्स परसेंट अप्रेजल देते हैं और फिर इंप्लॉयज जब स्विच करता है तो उसे बीस से पच्चीस परसेंट हाइक मिलता है तो लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी है ना स्टूडेंट्स की अप्रेजल कम है तो इट्स Better to switch the organization, but you can always seek for it. इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स यू शूड बी स्मार्ट इनफ टू टॉक टू द एच आर डिपार्टमेंट अबाउट योर वर्क इफ योर वर्क इज़ गुड दे विल कंसिडर सो ऐसा होता है बट इंप्लाईज डीज डोंट नो हाउ टू प्रोसेस थिंग्स एंड दे डोंट नो हाउ टू दे टेक एवरी थिंग ऑन ई गो एंड उसके बाद वो क्या होता है सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर नई नौकरी ढूंढो स्विच करो बीस परसेंट हाइक जरूर मिल जाएगी पर जो आपने इतनी मेहनत किया आप वहाँ पर एच ओ डी डीन यन सकते थे है ना या फिर आप मैनेजरल पोजिशन में कोई टीचिंग का पता है प्रमोट साइकिल मुझे ये पता है कि कोई कंपनी में अगर कोई पर्सन है तो प्रोडक्ट मैनेजर फिर मैनेजर फिर एमडी, फिर होल टाइम डायरेक्टर ये सब चीजें फिर सीईओ आगे तक वो जा सकता है ठीक है सो मोटिवेशन मोटिवेशन क्या होता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों दीजिए इंप्लॉइज को उससे क्या होता है ना no, मोटिवेशन मिलता है वो पैसे बढ़ गए और इसके बाद पोजिशन बढ़ गई तो ये दोनों चीजें मैटर करती है ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ठीक है रिटर्न वॉट आई एम गेटिंग वॉट इज इट इन इन इट फॉर मी ये सब चीजें हैं ना कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन मतलब बिना सैलरी के तो कोई काम नहीं करेगा और सैलरी को क्या बोलते हैं रेम्यूनरेशन क्या बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ इंप्लॉयज की पड़ेंगे ताकि आप उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें वेलफेयर करना पड़ेगा आपको ठीक है ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एंड ऑडिट पर्सनल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिव्यू करो ताकि सब चीजें स्मूथ ओके स्टूडेंट्स सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टाफिंग एंड एच आर एम का टॉपिक आई होप आपको ये वाली जो की वर्ड्स है निमोनिक से, से लॉन्ग आंसर फॉर्म में सारे पॉइंट्स शॉर्ट आंसर फॉर्म में कम पॉइंट्स दोनों आपको अच्छे से याद हो चुके हैं आई नो आप सबको याद हो चुके हैं सो ये स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन में बट एक मिनट सुन लो मेरी बात कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ना इसके बारे में मुझे कुछ आपको बताना है सो मैग्नेट ब्रेंस पूरे इंडिया का हाई क्वालिटी इंडिया नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के इंडरगार्डन तो लेकर क्लास ट्वेल्व तक की क्लासेस आपको पढ़ाते हैं एज वेल एज़ डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड राजस्थान बोर्ड के जो हिंदी मीडियम कोर्सेज हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ वो हम आपको पढ़ाते हैं एब्सल्यूटली हंड्रेड फ्री येस स्टूडेंट्स इसके अलावा दिस इज अवर ऐप एंड वेबसाइट जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ये हमारे ई नोट्स एंड ई बुक्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी येस सो ई नोट्स एंड ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो दिस इज ओवर यूट्यूब चैनल एंड आई नो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट दीज आर ओवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सऐप आई नो यू रन ऑल दिस नेक्स्ट टाइम यू ओपन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन जरूर टाइप करना एंड फॉलो बटन को प्रेस करना दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग सेशन में जहाँ पे मैं आपको फिर से कुछ निमोनिक्स बताऊंगी फिर से अच्छे से पढ़ेंगे टिल देन सी यू हैव अ गुड डे